हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशेष फूड इज अनीता। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चाइनीज़ पकौड़ा की रेसिपी। तो चाइनीज़ पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ के जी पत्ता गोभी, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच मैदा। आप यहाँ पे मैदे का क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हमें 3 चम्मच लेना है, और बाकी का जो कॉर्नफ्लोर है उसे हम रख लेंगे। और गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा हमारे पकौड़े में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉस। तो सॉस में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच हम सोया सॉस ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। मैंने यहाँ पे रेड कलर का फूड कलर लिया है, 1 पिंच ऐड करेंगे। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस। और हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, पानी का यूज़ किए बिना हमें मिक्सर तैयार कर लेना है। तो गाइज़, यहाँ पे जो हमारा तेल है वो गर्म हो गया है, थोड़ा सा हम इसमें मिक्सर को डाल के चेक कर लेंगे। तो गाइज़, अब हम इसमें पकौड़े को तलेंगे। और गाइज़, हमें पकौड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है, नहीं तो पकौड़े हमारे जल जाएंगे, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। तो गाइज़, यहाँ पे जो हमारे पकौड़े हैं वो रेडी हो गए हैं, तो हम निकाल लेंगे और बाकी का जो पकौड़ा है उसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइज़, बाकी का पकौड़ा मैंने फ्राई कर लिया। तो अब हम तैयार करेंगे इसके साथ खाई जाने वाली चटनी। तो चलिए रेडी करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच हम लेंगे रेड चिली सॉस, 2 चम्मच लेंगे ग्रीन चिली सॉस, और 1 चम्मच लेंगे हम टोमेटो केचप। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच व्हाइट विनीगर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, अब हम कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच ऑयल, और उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बाउल पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉस, जो हमने मिक्स करके रेडी रखा था वो सॉस हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज, इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसे बॉयल होने देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड कलर का फूड कलर। गाइज, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड नहीं करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज, अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर। तो गाइज, जो कॉर्नफ्लोर हमारा बच गया था उसी में मैंने 2-3 चम्मच पानी ऐड करके इसका एक घोल तैयार कर लिया है। और हम इस तरीके से इसे मिलाते हुए इसमें ऐड कर लेंगे, और इसमें बॉईल आने तक का वेट करेंगे, फ्लेम को हम हाई रखेंगे। तो गाइज, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गया है, और हमारा जो सॉस है वो भी रेडी हो गया है। तो गाइस, सॉस रेडी होने के बाद मैंने बाकी का जो सॉस है उसे बॉल में निकाल के रख दिया है, और थोड़ा सा सॉस मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया है। मैं आपको बताऊंगी मुंबई स्ट्रीट स्टाइल में इसे कैसे खाते हैं। आप इसके साथ इसे इस तरीके से मिला लें पकौड़े को, और हाई फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करेंगे, ताकि जो ग्रेवी है, जो सॉस, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। गाइस, आप या तो आप पकौड़े को डिप करके खा सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरीके से मिक्स करके खा सकते हैं। तो गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे प्याज से, और इसे गार्निश करने के बाद हम इसे स्ट्रीट स्टाइल में प्लेट में सर्व करेंगे। तो गाइज, ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, बनाना भी काफ़ी आसान है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और गाइज, अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में पकौड़े खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज, अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइज।